स्टूडेंट सरकासम आपके साथ हाजिर है। आज आपको बताने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का दूसरा टॉपिक कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस। ये चीज आपको हर जगह पर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और लिपिड और न्यूक्लिक एसिड पढ़ाने के दौरान ये कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस का लफ्ज बार बार आएगा। आज मैं आपको सिंपल इसकी क्या कर रहा हूं, आपको एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं। तो रेडी, सबसे पहली बात यह है कि कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस में क्या फर्क है। लेकिन इससे पहले कि आप कंडेंसेशन को समझे, आप जरा इस चैप्टर में कुछ और अल्फाज, जैसे मिसाल के तौर पर मोनोमर और पॉलीमर, इसका क्या मतलब है। जी, मोनोमर स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड को या स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को कहा जाता है मोनोमर। मिसाल के तौर पर कार्बोहाइड्रेट के केस में मैं आपको कहूं कि ये एक मोनोमर है ग्लूकोज, दूसरा ग्लूकोज दूसरा मोनोमर है, ठीक है ना। तो ये कार्बोहाइड्रेट के केस में है, यानी स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, मोनोमर। मोनोमर कहते हैं एक को, मर कहते हैं बॉडी को, ठीक है ना। जब एक मॉलिक्यूल किसी का ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक हो तो फिर हम कहते हैं मोनोमर। पॉलीमर, जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा हो जाए, मिसाल के तौर पर ये आपके सामने है, ठीक है ना, तो ये क्या है, इसको आप कहेंगे पॉलीमर, इसको आप कहेंगे मोनोमर। तो मोनोमर को माइक्रो मॉलिक्यूल कहा जाता है और पॉलीमर को मिक्रो मॉलिक्यूल कहा जाता है। यहां तक समझ आ गई बात। अब ये मोनोमर से पॉलीमर कैसे बनता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि मोनोमर से पॉलीमर कैसे बनता है। अब मोनोमर से, इस मोनोमर से ये पॉलीमर, मिसाल के तौर पर बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर सुक्रोज बनाए या बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर स्टार्च बनाए या बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर सेल्युलोज बनाए, एक पॉलीमर कंपाउंड बनाए, ठीक है ना। मैं आपको यहां पर सारे कार्बोहाइड्रेट पर एग्जांपल दे रहा हूं, प्रोटीन पर भी आप दे सकते हैं, ठीक है ना, सही है, लेकिन आपको ग्लूकोज की समझ जरा अच्छा आ जाएगा। जी, तो जी, ये मोनोमर से पॉलीमर कैसे बनता है। अब इस मोनोमर से पॉलीमर कैसे बनता है, तो इसके लिए आपने सीखना है क्या, कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस को। अब कंडेंसेशन क्या है, हाइड्रोलिसिस क्या है, आपको मैं ये बताऊं कि ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है ना। अब इन केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, देखिए, सबसे पहले कंडेंसेशन का लफ्जी मतलब, कंडेंसेशन को कहा जाता है डिहाइड्रेशन, ठीक है ना। अब जी, कंडेंसेशन का लफ्जी मतलब क्या है, डी का मतलब है रिमूव, हाइड्रेट का मतलब है वाटर। अब यहां पर आप देखो, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी एक पॉलीमर, ठीक है ना, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये देखो स्टार्च एक पॉलीमर है और ये सारे मोनोमर है, ठीक है ना, बहुत सारे मोनोमर मिलकर स्टार्च बनाते हैं। लेकिन आगे क्या करता है, आगे बाय रिमूविंग वाटर, यानी इन मोनोमर में जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन है वो रिमूव होकर पानी बनाए और बाकी मोनोमर मिलकर एक पॉलीमर यानी एक स्टार्च बनाए, तो फिर हम इस केमिकल रिएक्शन को कहते हैं कि ये क्या है, इसे इसको कहते हैं कंडेंसेशन। देखो, रिमूव हो गया। अब मैं आपको द प्रोसेस इन विच सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस क्या बनाता है, एक लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बाय रिमूविंग वाटर। अब देखो, प्रोडक्ट साइड में आपको वाटर नजर आ रहा है, रिमूव कर दिया है,
तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। याद रखिए, ये बॉडी आपके बॉडी में उस वक्त होगा, आपके सेल के अंदर उस वक्त होगा जब अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा हो जाए और उस एनर्जी को हम फिर स्टोर करते हैं, तो स्टोरिंग पर्पज इसके लिए कंडेंसेशन के प्रोसेस होगी। क्लियर? यानी ये एनर्जी अब्सॉर्बिंग प्रोसेस है। क्लियर? इसी तरह आप अमाइनो एसिड प्रोटीन पर भी एग्जांपल दे सकते हैं, लेकिन मैंने आपको सिंपली स्टार्च पे मिसाल दिया है। इसी तरह आप सेलुलोज भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, बिल्कुल ग्लूकोज ग्लूकोज से मिलकर बनता है। क्लियर? हाइड्रोलिसिस। दूसरा, जब एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, मिसाल के तौर पर सिक्रोज है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड या एक पॉलीमर जब टूट जाए मोनोमर को, ये देखो ये मोनोमर है, ये भी मोनोमर है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर शर्त है, तो फिर उस केमिकल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि ये क्या है? ये हाइड्रोलिसिस है। और बॉडी, लिविंग बॉडी के अंदर, सेल के अंदर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन उस वक्त होगा जब तवानाई की जरूरत होगी। आपको पता है कि सबसे पहले बॉडी तवानाई कार्बोहाइड्रेट से रिसीव करते हैं, ठीक है ना, और फिर इसके बाद ग्लाइकोजन से रिसीव करते हैं, और फिर इसके बाद प्रोटीन से रिसीव करते हैं, और फिर इसके बाद लिपिड से रिसीव करते हैं। क्लियर? तो जब एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जब इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर वो टूट जाए, सिंपल और सिंपल मॉलिक्यूलों यानी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों सिंपल मोनोमर है, तो फिर हम उस केमिकल रिएक्शन को कहते हैं कि ये क्या है? हाइड्रोलिसिस है। याद रखिए कि हाइड्रोलिसिस एनर्जी रिलीज प्रोसेस है और कंडेंसेशन एनर्जी गेन प्रोसेस है। कंडेंसेशन हमेशा फोटोसिंथेसिस में होगा और हाइड्रोलिसिस हमेशा रिस्पायरेशन की प्रोसेस में होगा। आपको और भी मजीद मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना। रिस्पायरेशन का इसका मिसाल है, उसमें ब्रेकडाउन ऑफ मटेरियल होती है ना, ठीक है ना, लेकिन जब ब्रेकडाउन ऑफ मटेरियल, रिस्पायरेशन में तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, लेकिन यहां पर आप इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर जब ब्रेकडाउन करेगा किसी पॉलीमर को, तो उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलिसिस। आई थिंक आपको हाइड्रोलिसिस और कंडेंसेशन की समझ आई होगी, आपके साथ अब बहुत ज्यादा मवाद जमा होगा। तो आखिर में मैं समराइज करता हूं कि दो किस्म के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में केमिकल रिएक्शन होते हैं, जब सिंपल या मोनोमर मिलकर पॉलीमर बनाए और वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करे, तो इसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। आपके सामने बोर्ड पर एग्जांपल लिखा है, ठीक है ना इसको। और जब एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ब्रेक डाउन हो जाए सिंपल मोनोमर में, तो फिर हम उसको कहते हैं हाइड्रोलिसिस। एक में एनर्जी गेन होती है, अब्सॉर्ब होती है, और दूसरे में एनर्जी रिलीज होती है। तो यही कंसेप्ट आपको समझाना था। उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह हाइड्रोलिसिस और कंडेंसेशन पर यूट्यूब की दुनिया में इससे बेहतरीन टॉपिक, इससे बेहतरीन कंसेप्चुअल चीज आपको नहीं मिलेगा। बहरहाल वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फीडबैक देना न भूलिए। कमेंट बॉक्स में फिर भी आपका कोई कंफ्यूजन है तो सर हाजिर है, सर कासिम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी इजाजत चाहता है। खुदा हाफिज़।